आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर, मैं जाबिर शाह। दर्शकों, कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि धूलिया मतदार संघ से एक बड़ा नाम सामने आने वाला है। सूत्रों के हवालों से ये खबर हमने दिखाई थी कि एक बड़ा नाम सामने आने वाला है। उस पर क्या हुआ, आज उस पर खुलासा वार रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट में हम आपको ये शॉकिंग खबर देने वाले हैं कि धूलिया मतदार संघ में नया मोड़ आ चुका है। कल के सूत्रों के हवालों की खबर का जो असर हुआ है, वो आज एक शॉकिंग खबर के तौर पर निकल कर बाहर आया है। और आप देख सकेंगे कि आज की शॉकिंग खबर क्या है, क्या धूलिया मतदार संघ में अब एक नई राजनीति शुरुआत होने वाली है, एक नई राजनीति जन्म लेने वाली है, और एक नए नाम के साथ वापस से धूलिया मतदार संघ में एक बड़ा नाम सामने आने वाला है। तो वो बड़ा नाम कौन सा है दर्शकों, कल हमने आपको दिखाया था कि धूलिया मतदार संघ में कहीं नाम चर्चा में थे, उसमें से कुछ नाम हम लेना भूल भी गए थे और कहीं नामों को हमने जानबूझकर छोड़ा भी था। आज हम आपको पूरी लिस्ट दिखाने जा रहे हैं कि कौन कौन लोकसभा की दौड़ में चल रहे थे और अब कौन से आदमी की एंट्री हुई है, कौन से नए नाम की एंट्री हो गई है। तो शुरुआत हम करेंगे इस शेर के साथ कि देखी गई ना मुझसे अंधेरों की सरकसी, आफ्ताब बन के निकलना पड़ा मुझे। ये शेर हम इसके लिए कह रहे हैं, कौन सा बड़ा नाम वापस धूलिया मतदार संघ के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। पहले वो लिस्ट हम देख लेते हैं जो हमने आपको कल दिखाई थी कि कौन कौन से उम्मीदवार धूलिया मतदार संघ का चुनाव लड़ने वाले, और जो नाम हमने छोड़ दिए थे वो नाम भी आज हम इसमें शामिल करेंगे और फिर उसके बाद ऐलान करेंगे कौन से उम्मीदवार ने धूलिया मतदार संघ से चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। डॉक्टर सुभाष भामरे के सामने कौन लड़ेगा धूलिया मतदार संघ का चुनाव, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर धूलिया मालेगांव मतदार संघ से चुनाव लड़ने के लिए जो नाम थे वो नाम आ रहा था धूलिया मतदार संघ के लिए। हमने आपको कल दिखाया था कि धूलिया के कुणाल बाबा पाटिल, इनका भी नाम चर्चित था आवाम के जबानों पर कि कुणाल बाबा पाटिल चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं मालेगांव के बाइये के सदर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर तुषार शिवाड़े, ये भी चुनाव लड़ने की दौड़ में थे। तो वहीं राजेंद्र भोसले, ये भी चुनाव लड़ने की दौड़ में चल रहे थे, इस प्रकार की खबरें सामने आ रही थी। तो वहीं एक और नाम था जो हमने आपको कल दिखाना भूल गए थे, लेकिन आज वो सारे नाम हम शामिल कर रहे हैं जिन नामों को हमने छोड़ दिया था। तो वहीं पालक मंत्री दादा भूसे के फर्जंद आविष्कार भूसे भी बाइये में चुनाव लड़ने की दौड़ में थे, लेकिन वो भाजपा या फिर एकनाथ शिंदे गठ से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए वो नाम हमने कल छोड़ दिया था। क्योंकि कल हमारा सवाल था कि कांग्रेस की सीट से कौन सा उम्मीदवार आने वाला है, इसलिए उस नाम को हमने जानबूझकर छोड़ा था। आज की खबर है, हम आपको दिखा रहे हैं कि मराठी अखबार में खबर लगी है, क्या धूलिया मतदार संघ का चुनाव लड़ने के लिए आविष्कार भूसे कांग्रेस के संपर्क में चल रहे हैं, सवालिया निशान के साथ ये खबर लगी है कि वो कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं मालेगांव शहर के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद भी कई दिनों से राष्ट्रवादी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे थे, जिनका दौरा भी मालेगांव और कई अलग अलग शहरों में इनका दौरा हुआ, लेकिन अब वो नाम जो हमने आपको कल दिखाया था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत हीरे चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। तो जी हाँ दर्शकों, कल हमने सूत्रों के हवाले से यह खबर दिखाई थी कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रशांत हीरे लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई है कि प्रशांत हीरे धूलिया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के सामने एक मजबूत दावेदार साबित होंगे। और यहाँ पर उनके समर्थकों से हमने जब बातचीत की आज नासिक के अंदर, उनकी मुलाकात और उनकी बैठक प्रशांत हीरे के बंगले पर हुई, बहुत सारे वहां पर उनके समर्थक सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ उनकी बैठक हुई और यहाँ तय पाया कि प्रशांत हीरे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी तक प्रशांत हीरे ने स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन जिन जिन लोगों से
बैठक में बैठे हुए लोगों से हमने संपर्क किया है, उनका कहना यह है कि दादा यानी कि प्रशांत हिरे ने चुनाव लड़ने की हामी भर दी है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी वो मैदान में आते हैं। हमें तो यहाँ तक खबर मिली है कि दो दिन में वो तालुके का दौरा भी कर सकते हैं और तालुके में अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा और अहम सवाल दर्शकों ये है, क्या वो कांग्रेस के टिकट से आएंगे या फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी से आएंगे? ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है, क्योंकि ये सीट कांग्रेस की सीट रही है बरसा बरस से। लेकिन इस बार अगर भाजपा को उन्हें पछाड़ना है तो शायद राष्ट्रवादी की सीट लगेगी या कांग्रेस की सीट पर ही आना होगा, ये एक सवाल है। ये तो तालुके का दौरा करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव 20 मई को होने वाले हैं, यानी के हमारे वहाँ के चुनाव में अभी देरी है। पहले शुरुआत मध्य प्रदेश से होने वाली है और महाराष्ट्र में आते आते अभी काफी समय लगने वाला है, तो इसलिए उनके पास टाइम भी है तैयारी करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना है या फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना है। अब वो दो दिन में तालुके का दौरा करने के लिए निकलने वाले हैं, शायद वो मतदाताओं से बातचीत करेंगे या फिर शरद पवार से मुलाकात करेंगे या फिर कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन चुनाव हर हाल में लोकसभा का लड़ने के लिए हामी भर दी है। अब जब वो तालुके का दौरा करने निकलेंगे तो हम उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और खुद उनसे बातचीत करके इस पर खुलासा करेंगे, क्या वो चुनाव के मैदान में खुलकर उतर रहे हैं और क्या मकसद है उनका कि इतने सालों के बाद वो वापस से राजनीति में आ रहे हैं, वापस से लोकसभा का चुनाव लड़ने के उन्होंने हामी अगर भर दी है तो इसके पीछे की रणनीति और राजनीति क्या होगी, इन सारे सवालों पे बातचीत उनसे मुलाकात के बाद करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर धुलिया मतदार संघ के लिए ये है कि बीजेपी के सामने डॉक्टर तुषार शिवाड़े अब इलेक्शन में वो भी लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रशांत दादा का नाम आने के बाद अब देखना ये है कि प्रशांत दादा के सामने कौन मजबूत उम्मीदवार है, डॉक्टर तुषार शिवाड़े या फिर प्रशांत हीरे, इन दोनों में से अब कौन है टिकट का दावेदार, क्या प्रशांत हीरे कांग्रेस से लड़ेंगे या फिर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने जा रहे हैं? आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आप क्या चाहते हैं धुलिया मतदार संघ से कौन होगा अगला खासदार, ये सवाल है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया, फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच किसी नए सवाल के साथ, नए मौजू पर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।